नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ शर्तों के साथ ये स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। इस संबंध में WHO ने एक गाइडलाइन भी जारी की है, देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ शर्तों के साथ ये स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। WHO ने गुरुवार को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें वायरस की हवा में फैलने से जुड़ी रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है। हालांकि WHO ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में व्यापक अध्ययन की जरूरत है। गौरतलब है कि हाल ही में कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वायरस हवा में फैलता है, खासकर जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है, बात करता है या खांसता है तो वायरस हवा में फैल जाता है। WHO लंबे समय से इस संभावना को खारिज कर रहा था कि कोरोना वायरस कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं को छोड़कर हवा में फैलता है, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है। WHO ने माना कि कुछ रिपोर्टों में इंडोर एरिया जैसे कि रेस्टोरेंट, फिटनेस क्लास आदि जगहों पर संक्रमण के हवा में फैलने का दावा किया गया था, जो कि संभव है। ऐसा विशेष रूप से इंडोर स्थानों में संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने में हो सकता है। हालांकि संगठन ने ये भी कहा है कि इस विषय में तत्काल गहन शोध किए जाने की जरूरत है। मौजूदा सबूतों की समीक्षा के आधार पर WHO ने कहा कि वायरस दूषित सतहों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क और संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा करीब आने से लोगों में फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता है, सांस लेता है, बोलता है या गाता है तो वायरस हवा में फैलकर दूसरों को अपनी ओर चपेट में ले सकता है। पिछले हफ्ते 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को खुला पत्र लिखकर सबूत दिए थे कि हवा में मौजूद वायरस के छोटे छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कोलोराडो विश्वविद्यालय के जोस जिमनेज ने WHO के उनके दावों को स्वीकार करने पर खुशी जताते हुए कहा कि ये छोटा लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। ये अब स्पष्ट हो गया है कि वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी एक वजह इसका वायुजनिक होना भी है। वही गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा कि COVID-19 के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन पर अभी तक कई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आगे कहा कि भले ही इस संबंध में साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन हम उसके आधार पर खासकर ऐसे लोगों को मास्क पहनाने पर जोर दे रहे हैं जिनमें कोरोना लक्षण नहीं है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह हम कोरोना के प्रकोप को कम कर सकते हैं। बहुत कम बीमारियां ही ऐसी होती है जिनके हवा में फैलने का खतरा होता है। खसरा और तपेदिक ऐसी ही बीमारी है। WHO गाइडेंस स्वीकार करता है कि कोरोना वायरस विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान हवा में फैल सकता है, लिहाजा इन परिस्थितियों में चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त रूप से हवादार कमरे काम करने और N95 मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनने की सलाह दी गई है। वायरस के फैलाव को लेकर WHO के जोखिम आंकलन में कोई भी बदलाव 1 मीटर की फिजिकल दूरी की सलाह को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में बदलाव करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।